अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने अपना न्यू चैप्टर नंबर 4 शुरू कर लिया हुआ है। गर्ल्स, ये वाला जो चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली सीएस का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हर एक एक जगह से, हर एक एक पोर्शन से कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास अराइज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने जो है जितने भी नाइट्रोजन थे उसके ऑक्साइड्स को डिस्कस किया था। अब चूँकि हमने इसके ऑक्साइड्स को डिस्कस कर लिया था, जिसका हमने थोड़े से फार्मूलाज डिस्कस किए थे, आज हम प्रॉपरली हर एक जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, देखिए हमारे पास क्या कि हम सबसे पहले हमारे पास बोर्ड में से क्वेश्चन आया था, ये लॉन्ग के तौर पे भी आया हुआ था। इसमें था राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड के दो रिएक्शंस लिखें। अब फॉर एग्जांपल अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम ये प्रोसेस देख लेते हैं कि जो आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन मेटालिक जिंक। यानी कि क्या करना है कि नाइट्रिक एसिड है तो आपने लेना है मगर डाइल्यूटेड लेना है। इसके 10 मॉलिक्यूल्स अब यूज़ करेंगे और आपने क्या लेना है इसमें जिंक, मेटालिक जिंक, जिंक सॉलिड फॉर्म में, मेटालिक फॉर्म में, तो इसके 4 मॉलिक्यूल्स नाइट्रिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन करेंगे, जिंक नाइट्रेट की, इसके अलावा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की एंड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। इसके अलावा आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि NH4NH3 का जो है नाइट्रेट टू अबाउट 200, यानी कि आपने इसमें टेम्परेचर कितना देना है तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें ये डीकम्पोज होकर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में N2 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एक्सक्लूजन अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, कौन सा ये अमोनियम नाइट्रेट कैन बी रिप्लेस बाय द मिक्सचर सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। यानी कि जो अमोनियम नाइट्रेट है ये हाईली एक्सक्लूसिव मटेरियल है, तो ये चूंकि एक्सक्लूसिव मटेरियल है तो हमने चूंकि इसमें डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाना है तो आप इसमें ज़रूरी नहीं कि आप अमोनियम नाइट्रेट लें, आप उसकी जगह सोडियम नाइट्रेट भी या अमोनियम सल्फेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी प्रॉपर्टीज़। हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस विथ फेंट प्लेजेंट स्मेल एंड स्वीटिश टेस्ट। यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपके पास होता है ये कलरलेस होता है, इसकी हल्की सी और जो है वो मीठी सी एक स्मेल होती है। इट इज़ फेयरली सॉलेबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के अंदर जो है ये थोड़ा सा सॉलेबल हो जाता है, बट इट्स मिक्सचर विद अ लिटल ऑक्सीजन। यानी कि अगर मिक्सचर अगर इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का लिटल मिक्सचर जो है वो अगर हम ऑक्सीजन के साथ इनहेल करते हैं, इफ़ इनहेल्ड फॉर अ सफिशेंट लॉन्ग टाइम प्रोड्यूस अ हाइस्टेरिकल लाफ्टर, हेंस इट इज़ नोन एज अ लाफिंग गैस। देखिए आपके पास एक थेरेपी आती है जिसमें हम उसको नाम देते हैं लाफिंग थेरेपी। उस लाफिंग थेरेपी में या तो पेशेंट खुद बहुत हंसता है या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वो हंसता है, यानी फॉर बाय इनहेलिंग सम गैस। उसमें क्या होता है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ इनहेल करता है पोर्शन, तो उससे जो है इंसान हंसता है। हंसने का यहाँ मतलब है कि लाफ्टर का मतलब है बहुत लाउड कहकहों वाली आवाज़ में जो हंसना शुरू कर देता है, तो इस गैस को हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस, जिसका फॉर्मूला क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है इनके रिएक्शंस देख लेते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आया था जस्टिफाई करें दैट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, जस्टिफाई। अब इसमें क्या है कि आपने ये बताना है कि क्या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबस्शन को सपोर्ट करती है, अगर करती है तो उसको प्रूव करें। अब उसमें क्या, इट इज़ नॉट कंबस्टेबल इट सेल्फ, देखा जाए तो ये जलती नहीं है, बट रिसेम्बल्स ऑक्सीजन इन रिकिंडलिंग ग्लोइंग स्प्लिंटर सिमिलर इट सपोज कंबस्शन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि खुद तो नहीं जलती है मगर ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ये जलने के अंदर जो है मदद ज़रूर कर सकती है। इट सपोर्ट बर्निंग इफ बर्न इट सपोर्ट कम्बस्शन, यानी कि जलने में तो मदद या देती है। बर्निंग सब्सटेंसेस सच एज सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन इन अ सिलेंडर ऑफ अ ऑफ दिस गैस। यानी कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को
सल्फ़र या फास्फोरस, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो जलती हैं ख़ुद ब खुद। सल्फ़र हो गया या फास्फोरस हो गया, ये दोनों, इसकी एक मिसाल दे दूँ, जो मैच बॉक्स आते हैं इनमें इन दोनों का मिक्सचर बना के जो है इसके ऊपर लगाया जाता है। पटाखों में भी इनका फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है, जलने में मदद जलता है ना ये। तो अगर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को सल्फ़र या फास्फोरस के सिलेंडर के अंदर जो है डाल दिया जाए तो दोनों रिएक्शन करके, यानी कि ये खुद तो नहीं जलेगा मगर इसको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करके जलने में मदद देगा, जिसमें ये सल्फ़र को सल्फ़र डाइऑक्साइड में और अपने आप को नाइट्रोजन यानी कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा। और अगर फास्फोरस के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन करेंगे तो फास्फोरस जो है, या हम कह सकते हैं कि सिंपल फास्फोरस का कोई ऑक्साइड बना देता है जो ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, एंड इसके अलावा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज करता है। इसके अलावा व्हेन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ पास ओवर रेड हॉट कॉपर, यानी कि जो ये वाला आपके पास क्या है, ये कॉपर है, ठीक है, इसको किसके ऊपर डालना है, यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जब इस कॉपर के ऊपर से पास किया जाता है तो किस में, यानी कि ये नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा जो है कॉपर ऑक्साइड में, और अपने आप को इटसेल्फ कन्वर्ट कर लेता है नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, या सिंपली हम इसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। याद करने के लिए जहन में रखा कि अगर सिंपल NO आया तो हम उसको याद कैसे करेंगे, दैट विल बी अ नाइट्रिक, यानी कि उसके आखिर में R के बाद IC लगाना है, नाइट्रिक लगाना है, नाइट्रस नहीं, यानी कि R के बाद OUS नहीं लगाना, आपने IC लगाना है अगर सिंपल NO हो तो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है। हमारे पास अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर जो है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप एक्शन करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का एक्शन करते हैं, यानी कि 8 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे 3 कॉपर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स इसके बनाएगा, इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा या सिंपल नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, और साथ साथ क्या रिलीज कर देगा, वाटर। एक तो ये प्रोसेस होगा। सेकेंड प्रोसेस में क्या किया जाता है, जब नाइट्रोजन के ऊपर डायरेक्ट एयर पास की जाती है, फॉर एग्जांपल अगर एयर में मौजूद नाइट्रोजन है, एयर में मौजूद ही ऑक्सीजन भी है, ये दोनों चीज़ होती, मगर हमने क्या करना है कि नाइट्रोजन जो है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन इनके ऊपर एयर पास की जाती है, यानी कि यह नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक मिक्सचर है, एयर में मौजूद है, उसके ऊपर हम अगर थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क के ज़रिए इन दोनों को कंपेल करवाते हैं रिएक्शन करवाने के लिए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस, यानी कि इसका कलर तो नहीं होता, हैवियर देन एयर, मगर ये हवा से भारी है, एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अगर हवा से भारी है तो इसका मतलब है कि ज़मीन के करीब ज़्यादा रहेगी, एयर में ज़्यादा जो है वो ऊपर डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। हमारे पास क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो सबसे पहले जो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो किस में फॉर्म हो जाता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के अंदर जो है ये चेंज हो जाता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और ये जो है इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के फॉर्म होते हैं। ये अगर इस तरह का इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखना चाहें तो BSc में एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होती है। इसके अलावा आपके पास क्या है, इट डीकम्पोज इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सपोर्ट्स कंबस्शन, यानी कि खुद नहीं जलेगा, कंबस्शन को सपोर्ट करेगा बाय प्रोवाइडिंग इट्स ऑक्सीजन टू दैट। सो दिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज व्हेन हीटेड एट आपके पास कितने डिग्री पे, 100,000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको हीट किया जाता है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। सो पॉइंट नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आया था कि बोर्ड में कि इन्होंने 2 जो है रिएक्टेंट्स दिए हुए थे और ये कहा था कि आप इसको कंप्लीट करें, यानी कि बोर्ड में आया था कंप्लीटेड, यानी कि 2 रिएक्टेंट्स दे देते और प्रोडक्ट बनानी थी। इट इज़ फॉर्म नाइट्रोसिल क्लोराइड एंड नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड व्हेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। यानी कि क्या करना है, अगर आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ बनेगा तो हम बनाएंगे नाइट्रोसाइल क्लोराइड, और अगर इस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होगा तो बनेगा नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड बनेगा।
तो आपके पास क्या है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है, तो अपने आप को किस में चेंज कर देता है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड के अंदर चेंज हो जाता है। इसके अलावा ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, और इस नाइट्रोसाइल क्लोराइड को लेबॉर्ट्री के अंदर कहते हैं टाइल्डन रिएजेंट कहते हैं, टाइल्डन रिएजेंट। और इसकी कंडीशन क्या है कि आपने इसके अंदर किस चीज़ की एडिशन करनी है, द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, जो है चारकोल की प्रेजेंस में जो है ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड के अंदर चेंज हो जाता है। इसी टॉपिक के आगे कॉन्टीन्यूटी ये है कि पॉइंट नंबर 3 डिस्कस किया लिया, पॉइंट नंबर 4 है एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट जो है वो जो है पॉइंट नंबर पूरा 4 से जो है वो रिलेटेड है। अब आपके पास क्या, इट इज़ फॉर्म ब्राउन कलर एडिशन कंपाउंड विद फेरिक क्लोराइड FeSO4। दिस टेस्ट इज़ यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स रिंग टेस्ट। इंशाल्लाह जब आप कॉलेज वापस आएंगे तो हम जब अपने सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स करेंगे तो नाइट्रेट्स की कन्फर्मेशन के लिए हम एक रिंग टेस्ट करते होते हैं, तो वो रिंग टेस्ट हम करेंगे कि भाई आइदर इज प्रेजेंट है या नहीं, कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं, जस्ट इंडिकेशन के लिए हम करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि आपने जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फेरिक क्लोराइड लेंगे। इसमें आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, अगर आपके पास नाइट्रेट्स बन रहे हैं कहीं पर तो NO या फेरिक नाइट्रेट बन रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि भाई इसके अंदर जो है वो नाइट्रेट्स मौजूद हैं। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें जो है वो नाइट्रेट्स, मतलब जो नाइट्रेट्स बना सकते हैं, तो FeSO4 इस NO के साथ जस्ट अटैच हो जाता है, तो क्या बनेगा FeSO4 डॉट, यानी जस्ट अटैचमेंट दे विद NO। सो दिस इज, जब ये बनता है तो टेस्ट ट्यूब जो होती है जिसमें पूरा सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर जब पूरा सोल्यूशन नीचे क्लियर होता है मगर यहाँ पर करके ना एक पूरा डार्क ब्राउन कलर का एक रिंग बना जाता है, तो ये रिंग अगर बन जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पास जो है नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हुई थी दो रिएजेंट्स बनाने से, और जो है जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर क्या मौजूद है, नाइट्रेट्स मौजूद है। बोर्ड में इन दो जो है ये रिएक्शंस दिए हुए थे और बोर्ड में आया हुआ था कि आप इसको कंप्लीट करें इस इक्वेशन को, तो वो फिर इस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, विद रिड्यूसिंग एजेंट्स इट रिड्यूस टू नाइट्रस ऑक्साइड एंड और नाइट्रोजन। अब अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड का किसी रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड है या H2SO3, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरस एसिड आपके पास इनके साथ रिएक्शन करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होगा तो क्या होगा आपके पास कि ये वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इस हाइड्रोजन को लेकर अपने ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए तो सबसे पहले वाटर बनाएंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन जो रह जाएगा, अब वो नाइट्रोजन जो है यानी कि N आपके पास कितने, 2, यहाँ पर भी N आपके पास 2 है, जो यहाँ रिमेनिंग में एक ऑक्सीजन रह जाएगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और सल्फर को अकेला रिड्यूस कर देगा। फिर इसके बाद आपके पास आता है कि अगर आपके पास सल्फ्यूरस एसिड मौजूद है H2SO3, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये H2SO यहाँ से जो NO है अपना एक ऑक्सीजन SO3 को देगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, H2SO4 में, और साथ साथ ये नाइट्रोजन कितने रह गए, 2, तो और चूँकि इसने अपना ऑक्सीजन तो 2 थे ना, इसने एक ऑक्सीजन इसको दिया था तो पीछे एक ऑक्सीजन रह गया, तो N2O यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आ रहा है पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या HNO3। बोर्ड में से ऐसे क्वेश्चन आया था कि हाउ डज नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपके पास क्या है कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड इट्सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बट इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन, जब अगर ये आपके पास अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या दोनों रिएक्शन करते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल में एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके साथ जब नाइट्रिक ऑक्साइड के 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाशियम थायोसल्फेट बनाते हैं, मैंगनीज सल्फेट बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।